दिस इज़ दिव्या विद माई ओवर ग्रोन आईब्रोज। ये मेरी 2 महीने की ग्रोथ है। गॉड हैज़ नॉट ब्लेस्ड मी विद गुड आईब्रोज, बट वी आर गोइंग टू फिक्स वट एवर वी हैव। सो टुडे आई एम गोना शो यू हाउ आई शेव माई आईब्रोज एट होम। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, यू आर गोइंग टू आउटलाइन योर आईब्रोज। स्कूल में जो हमें आउटलाइन करना सिखाई थी वो इसी दिन के लिए सिखाई थी, ताकि हम अपनी आईब्रोज को आउटलाइन करके उनको शेव कर सके। सो गर्ल्स एंड गाइज, इफ़ यू वॉचिंग, आउटलाइन योर आईब्रोज प्रॉपरली। जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि आपको ग्रोथ नहीं हटानी, वहाँ वहाँ पूरा आउटलाइन कर लो। एंड इफ़ यू आर अ प्रो एट दिस, यू डोंट नीड दिस स्टेप, बट आई हैव टू शो यू गाइज एंड पर्सनली आई डू इट, क्योंकि वी डोंट वॉन्ट टू कट आर आईब्रोज। ऑलरेडी पार्लर वाली आंटी ने हमारी बहुत ख़राब करके रखी हुई है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई सम एलोवेरा जेल, ताकि हमारे कोई कट्स और ब्रोसेज ना आए। और आप ये ना कहो कि एक दिव्या सिंह नाम की लड़की यूट्यूब पर जो वीडियोज़ बनाती है ना, उसने हमारी आईब्रो के आसपास सारा काट पीट करवा दिया। सो या, नाउ वी टेक आर आईब्रो रेजर। आई विल लिंक दिस रेजर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये मैंने एक नॉर्मल स्टोर से ही लिया था, बट ऑनलाइन का मैं लिंक दे दूँगी। एंड हम धीरे धीरे से जहाँ हमने आउटलाइन किया है उसके बाहर जितने भी हेयर हैं उसको अच्छे से हम शेव करेंगे। इस वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ, बिकॉज अटेंशन स्पैन ऑफ पीपल टुडे इज़ लेस दैन अ गोल्ड फिश। बट यू टेक योर टाइम और धीरे धीरे जितने भी बाल एक्स्ट्रा आपको दिख रहे हैं उन्हें छोटे छोटे स्ट्रोक से कीप ऑन रिमूविंग दैम। लाइक यू कैन सी हाउ स्मॉल स्ट्रोक्स आई एम यूजिंग। ये नहीं कि एक ही बार में पूरा आपने शेव कर दिया, कोई खेत नहीं है आपकी आईब्रोज है। सो बी केयरफुल एंड यूज स्मॉल स्ट्रोक्स। नाउ दिस हेयर वॉज वेरी एडमेंट, एक छोटा सा बाल हट ही नहीं रहा था, बट मैं भी स्टबर्न हूँ, सो आई जस्ट गॉट रेड ऑफ इट। हा हा, बाय बाय। सो दैट इज़ डन। अभी बीच में थोड़े बहुत बाल जो आपको नहीं दिखाई दे रहे वो मैं शेव कर लेती हूँ, फटाफट से उसको हटा लेती हूँ। ऑल्सो मेक श्योर आप रेज़र को बहुत ही हल्के हाथ से पकड़ो। रेज़र है, इट इज़ अ ब्लेड, इट कैन कट यू, डोंट ब्लेम मी इफ़ इट डज। सो मेक श्योर यू आर केयरफुल एंड यू आर होल्डिंग इट बहुत ही आराम से। अब जो आसपास के थोड़े बहुत बाल है आप उसको हटा लो। आई एडवाइस कि आप एक हाथ से ऊपर अपना फोरहेड पकड़ लो और दूसरे हाथ से शेव करो, बट सिंस आई वॉज फिल्मिंग आई हैड अ मिरर इन दी अदर हैंड, तो मैं नहीं पकड़ पा रही थी, बट यू नो द ड्रिल, आई हैव एडवाइज यू। अब मानना नहीं मानना तो मतलब आपके ऊपर है। सो या, दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, शेविंग द टेल, नॉट द टेल, टेल के आसपास। सो येस, दैट इज़ अ फ्रेशली शेप्ड आईब्राउ। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ सीजर और जो थोड़ी बहुत मेरी ये घास आगे जमी हुई है उसको मैं शेप दे दूंगी, ताकि मेरी पूरी आईब्रो एक शेप में रहे और क्लीन लगे। सो येस, दैट इज़ इट। इससे ज़्यादा काटने पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ टोटली इट। और अब मैं सेम चीज़ अपनी दूसरी आईब्रो पे करने वाली हूँ, बट आई एम गोना स्किप इट बिकॉज हु हैज़ द टाइम टू वॉच टू आईब्रोज बींग शेव्ड, राइट? सो दैट इज़ इट। इट वॉज रियली रियली सिंपल एंड इसको स्कूल में सिखाना चाहिए इंस्टेड ऑफ टीचिंग अस दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो आई एम जस्ट गोना फिल इन माई आईब्रोज एंड डैम दे लुक सो गुड। सो मेक श्योर यू ट्राई दिस एट होम एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।